वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के लिए आईपीआर कैसे भरें। आईपीआर यानी इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्न, यानी आईपीआर अचल संपत्ति का विवरण। सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय, तृतीय श्रेणी एम्प्लॉय के लिए भी संपत्ति का विवरण भरना आपसे जरूरी हो गया है। इन संपत्ति विवरण भरने से पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है अपना प्रोफाइल, अपडेट योर प्रोफाइल। जब तक आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे और इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक ना संपत्ति का विवरण नहीं भर सकते। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है, सबसे पहले तो उसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर मिस्टर है या मिसेस, यहाँ पर श्रीमती हैं ये, और फर्स्ट नेम, और यहाँ पर वही नेम हिंदी में आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी गलती आ रही है अभी, वो भी मैं सुधार करना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर लास्ट नेम, और यहाँ पर हिंदी में लास्ट नेम, ये मैं इसलिए डिटेल में बताने जा रहा हूँ क्योंकि तृतीय श्रेणी एम्प्लॉय के लिए फर्स्ट बार है, यानी सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के लिए पहला मौका है। वैसे तो ये गजेटेड एम्प्लॉय यानी स्टेट एम्प्लॉय के लिए भरा जाता है हर साल, लेकिन इस बार ये तृतीय श्रेणी एम्प्लॉय के लिए जरूरी हो गया। यहाँ पर फादर नेम है, और वही फादर नेम यहाँ पर हिंदी में भी टाइप है। यहाँ पर एम्प्लॉय का आधार नंबर है, और ये आगे उसके बाद में नेक्स्ट आती एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट है उसका, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है ये, तृतीय श्रेणी एम्प्लॉई है इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पर सर्विस टाइप में सबॉर्डिनेट सर्विस है, सबॉर्डिनेट इसको सेलेक्ट किया जब अपने प्रोफाइल बनाया था तब। यहाँ पर स्टेट एम्प्लॉई भी है, सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई, तृतीय श्रेणी एम्प्लॉई है इसलिए सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई। और यहाँ पर उसका कैडर भी आ गया, राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सबॉर्डिनेट सर्विस। जब तक आप अपना एडमिन डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप आईपीआर नहीं भर पाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना, पे कमीशन 7 पे, और यहाँ पर इसका बेसिक 45,000 शो कर रहा है। यहाँ पर इसका बेसिक है फिलहाल अभी 46,500 है, तो इसको अपन अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैनुअल अपडेट भी कर लेते हैं। और लास्ट इसका लेवल 10 एम्प्लॉई, ये लेवल 10 ऑलरेडी सेलेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है कि आपको बिल्कुल हाइड है, ये वाइट वाइट है। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, इससे आप रिफ्रेश कैप्चा भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर GMM58 और इसको कर लेते हैं अपन सेव। तो ये डू यू वॉन्ट टू सेव द डिटेल, आफ्टर सेविंग द डिटेल यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है और अगर आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये वापस एडिट नहीं करेगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन अपन बिल्कुल कन्फर्म है अपनी डिटेल सभी सही है, तो इसको कर लेते हैं अपन यस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये अपना प्रोफाइल आएगा कैसे। फिलहाल तो अगर आप अपना SSO लॉगिन करते होंगे तो SSO लॉगिन आफ्टर यहाँ पर आपकी राजकाज ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर ढूंढ लेते हैं अपन, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं राजकाज, ये सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पर राजकाज का ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो नहीं होगा। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इस टाइप का एरर शो कर रहा है, यू आर ए नॉट रजिस्टर्ड यूज़र फॉर राजकाज, काइंडली कॉन्टैक्ट यूर डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर और फर्दर डिटेल। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक व्हाट्सअप लिंक है कि जिन कार्मिकों के राजकाज पोर्टल पर यू आर काइंडली कॉन्टैक्ट योर डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर फॉर फर्दर डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करेगा कि प्लीज़ इंटर यूर SSID, क्लिक ऑन फेस डिटेल और रिट्राइव डाटा फ्रॉम SSO SIPF। यानी कि इस अंडरलाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉय ID फिल करेंगे, फिल करने के बाद में फेच डिटेल यानी कि SSO पर जो अपना एम्प्लॉय डाटा दर्ज है उसको यहाँ पर फेच करने वाला है। अब अपन ने यहाँ एम्प्लॉय ID दर्ज कर ली और फेच डिटेल पर क्लिक कर दिया। डिटेल करते ही यहाँ पर एम्प्लॉय की दर्ज SSO पर डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, डिटेल एस अवेलेबल इन SIPF एंड SSO एप्लीकेशन। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय ID और उसका डिपार्टमेंट वगैरह टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो है। अब इसको कर लेना है यहाँ पर कन्फर्म, यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ कन्फर्म दैट अबोव डिटेल्स स्पेशली एम्प्लॉय ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह इनकरेक्ट।
तो इसको कर लेंगे अपन यस। अब यस करने पर यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय की समस्या आ रही है कि यहाँ पर जो इंग्लिश नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पर हिंदी नेम में मिसमैच आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फादर नेम भी यहाँ पर मिसमैच आ रहा है। तो इसमें सुधार करने का तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अपन मोबाइल वगैरह तो चलाते हैं तो अपने पास में हिंदी टाइपिंग मोबाइल में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैडम का नाम गलत है तो यहाँ पर अपन ने हिंदी टाइपिंग कर ली। आफ्टर इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये नाम सही हो गया। अब यहाँ पर अपन देखेंगे उनके फादर का नेम गलत है रहा है, उसको भी अपन ने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर कर लेंगे अपन पेस्ट। अब यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ये मिस्टर है या मिसेज है या मिस है जो भी है, जिसे ये श्रीमती है तो यहाँ पर MRS करते ही श्रीमती हिंदी में टाइप आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट इनका मिडिल नेम नहीं है और अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आप यहाँ से देखकर सेलेक्ट करें। अगर डिपार्टमेंट आप गलत सेलेक्ट कर देंगे, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और सेकेंडरी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप IPR नहीं भर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर टाइप 3 or more characters, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं अपन, तो यहाँ पर ये आ गया एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो ओके कर लिया, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। अब यहाँ सर्विस टाइप सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई और कैडर, यहाँ पर राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन। अब डेजिग्नेशन है इनका, तो ये टीचर है तृतीय श्रेणी, यहाँ से सेलेक्ट ओके। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये खास ध्यान रखने वाली बात है, ये अपना एडमिन डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, एडमिन जहाँ पर से अपन बिलोंग करते हैं। अगर ये डिपार्टमेंट आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप अपना IPR फिल नहीं कर पाएंगे। दो जगह पर डिपार्टमेंट सेलेक्शन ध्यान रखना है। अपन सभी प्रारंभिक शिक्षा के टीचर हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेलेक्ट, ये यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन, और इसको कन्फर्म लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, IAD कन्फर्म दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाई मी इज करेक्ट, मतलब कि ये जो मैंने डिटेल सेलेक्ट की है ये सभी सही है ना, इसको ही यहाँ पर चेकबॉक्स टिक आफ्टर सेव। तो आर यू श्योर सेव डिटेल, यस, ये एरर सेविंग डिटेल ट्राई अगेन कह रहा है, लेकिन ये अपनी डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर अपना SSO लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय ID पासवर्ड और कैप्चा फिल आफ्टर लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर राजकाज पोर्टल शो हो जाएगा, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है IPR की आप IPR यहाँ से फिल कर सकते हैं, क्योंकि अपना प्रोफाइल अब क्रिएट हो चुका है। अब वो मैसेज नहीं आएगा कि आप यू आर नॉट रजिस्टर्ड करके जो मैसेज आता था पहले, यहाँ पर ये नॉट सबमिटेड माई IPR नॉट सबमिटेड, क्योंकि ये सबमिट नहीं है इसलिए अभी नॉट सबमिटेड बता रहा है। और अपन आगे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर, ये किसी दूसरे एम्प्लॉय का प्रोफाइल है। अब यहाँ से IPR को कैसे सेलेक्ट करके कैसे भरना है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी कोई नील रिपोर्ट है तो यहाँ पर चेकबॉक्स है, इसमें नील करके आप सीधा सा IPR यहाँ सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयज नील रिपोर्ट नहीं रहती है अपने पास में, अपनी जो हाउस मकान यानी कि जहाँ पर अपन रहते हैं, अचल संपत्ति का मतलब ये है कि अचल संपत्ति यानी इमोबल जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी यहाँ फिल करना है। रेजिडेंशियल है तो अपन रेजिडेंशियल, जैसे मकान है तो अपना मकान बिल्डिंग्स में आ जाएगा, और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो ज़मीन है अपनी खेती के लायक तो एग्रीकल्चर ज़मीन, और दूसरा यहाँ पर प्लॉट वगैरह भी हैं अपने पास में, प्लॉट लैंड, तो इसको भी सबमिट आप कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये आगे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल, अगर आप अपडेट प्रोफाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी बेसिक वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैन्युअली यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने प्रीवियस भी देखा है, यहाँ पर जैसे ये एम्प्लॉई है तो ये एम्प्लॉई है वो 2012 का जॉइन एम्प्लॉई, यहाँ पर 40,300 आ रहा है, लेकिन अभी इनका बेसिक यहाँ पर हो जाएगा 41,500,
यहाँ पर बेसिक बहुत मैंडेटरी है और यहाँ पर कैप्चा अपन फिल कर लेते हैं। जैसे इस कैप्चा को मैंने पहले भी बताया आपको, अगर शो नहीं होता है, आप कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर आप इस कैप्चा को चेंज भी रिफ्रेश कर सकते हैं टू W कैप्चा फिल आफ्टर सेव। यहाँ पर एक एरर मांग रहा है कि मेल आईडी, मेल आईडी अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो ये आपका फिलअप नहीं होगा। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की मेल आईडी क्या है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ देने वाला हूँ। तो मेल आईडी मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ। तो दोस्तों ये है आईपीआर प्रोफाइल क्रिएट करने की जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब फिलहाल इसको अपन बंद कर लेते हैं।